It was years of mental trauma, physical trauma, the toxic environment. It took me years, but finally I was like, either this or I commit suicide. बेबाक अंदाज और बोल्ड लिबास पहनने वाली भारतीय अदाकारा उर्फी जावेद की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर जीरे गर्दिश कर रही हैं, जिन पर अदाकारा के ऑफिशियल अकाउंट से रद्द अमल दिया गया है। उर्फी जावेद को उनके बोल्ड लिबास की वजह से अक्सर ही तनकीद का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से उनसे नफरत करने वाले अफराद ने उनकी मौत की झूठी न्यूज वायरल कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपनी माजी की एक तस्वीर शेयर की थी। उर्फी की इस तस्वीर पर लोगों ने बहुत तनकीद की और कुछ सार्फीन ने उर्फी की इस तस्वीर को चेंज करके इनके गले में फंदा बनाया और ये न्यूज वायरल की कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। लेकिन जब उर्फी जावेद से मुतालिक झूठी न्यूज इंस्टाग्राम पर फैली तो उन्हें खुद अपने अकाउंट से वजाहत देना पड़ी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी वायरल तस्वीर शेयर की और सुसाइड न्यूज को फेक करार दिया और लिखा कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उर्फी जावेद ने बताया कि इससे पहले मुझे जान से मारने की धमकियां दी जाती रही हैं और अब मेरी खुदकुशी की झूठी न्यूज वायरल की जा रही है और मेरे बोल्ड लिबास पहनने पर बहुत से लोगों ने मुझे रैप की भी धमकियां दी थी, जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मिली नहीं है टेलीविजन से। I don't want to talk about it.